हाय फ्रेंड्स, पेंडा सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम भारत में बढ़ रहे कैंसर के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। कैंसर, जैसा आप सभी जानते हैं, एक बीमारी है। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। WHO के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले आते हैं। इसके लिए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज्यादा हैं, जिनमें फेफड़ों के कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। बात करते हैं कैंसर है क्या। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है, तो वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इसे कैंसर कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के मामले में ट्यूमर नहीं होता है। एक बात यह भी ध्यान रखें कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। आसान शब्दों में कहें तो कैंसर शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है, जिससे कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कह सकते हैं। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर दो तरह के होते हैं, पहला बिनाइन के ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है, जबकि बिनाइन नहीं फैलता है। अब बात करते हैं कैंसर के लक्षण क्या हैं। सभी कैंसर के लक्षण उसके प्रकार और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ अन्य लक्षण भी हैं जो देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक कम होना या बढ़ जाना, ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज या दस्त होना, आवाज बदल जाना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव ठीक होने में ज्यादा समय लगना, भूख कम लगना, लिम्फ नोड में सूजन। ये सारे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कारण क्या है, कैंसर कैसे होता है। कैंसर होने के पीछे कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थ जिसे कार्सिनोजन कहा जाता है, वो कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है और यह कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैंसर के प्रमुख जोखिम कारक निम्नलिखित हैं: तंबाकू खाना या सिगरेट पीना। तंबाकू या उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा या चिंगम आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़ों या मुंह के कैंसर के कारण बन सकता है। अल्कोहल, लंबे समय से शराब पीना लीवर का कैंसर को का बढ़ावा देना होता है, साथ ही शरीर के अन्य कई हिस्सों में कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। जीन, कैंसर के लिए जीन भी एक प्रमुख कारण है। यदि परिवार में किसी को कैंसर का इतिहास है, तो इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा होती है। वायरस, वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो 50% तक लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। अनहेल्दी फूड्स, अनहेल्दी फूड्स या रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है, वो कोलन कैंसर को संभावना को बढ़ाते हैं। एक्सरे, बार बार एक्सरे करवाने के कारण भी रेडिएशन के संपर्क में आ जाने के कारण कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कैंसर के स्टेज कितने होते हैं। कैंसर के ज्यादातर मामलों में ट्यूमर होता है और इन्हें गंभीरता के आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 0, इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों में असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं, जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती हैं। स्टेज 1, प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है, इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक ही क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। स्टेज 2 और 3, दूसरे और तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों और लिम्फ नोड्स में फैलने लगती हैं। स्टेज 4, चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज में होता है, इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है, इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। कैंसर का इलाज क्या है।
कैंसर का इलाज उसके प्रकार, स्टेज और स्थान के आधार पर किया जाता है। यह डॉक्टर तय करते हैं कि आपके कैंसर के लिए कौन सा उपचार सही है। सामान्य तौर पर कैंसर का इलाज सर्जरी, नॉन सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि द्वारा किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। सर्जरी, कैंसर के इलाज में सर्जरी द्वारा कोशिकाओं को असाधारण रूप से बढ़ने वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। इसे बायोप्सी तकनीक द्वारा किया जाता है। जब ट्यूमर को आसानी से पहुंचा जा सके, यदि कैंसर दूसरे हिस्सों में नहीं फैला है तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। रेडिएशन थेरेपी, यह एक नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को डायरेक्ट असर करती है। इसमें गामा रेडिएशन की मदद से असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी कई चरणों में किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के ड्रग्स दवा के जरिए बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, यह आपके इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रबल बनाती है। हार्मोन थेरेपी के जरिए हार्मोन से प्रभावित कैंसर का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी से प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर का काफी सुधार होता है। कैंसर से कैसे बचे? अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर और जोखिम कारकों को कम करके कैंसर से बचा जा सकता है। जैसे शराब के सेवन से बचें, धूम्रपान से बचें, फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, ज्यादा फैट वसा ना लें, नियमित रूप से सारे वैक्सीन लें, तनाव से बचें और BMI चेक कराते रहें, हेल्दी जीवन शैली को अपनाएं। शरीर में असामान्य रूप से कोशिकाओं का लगातार बढ़ना कैंसर का रूप धारण करता है। अचानक वजन बढ़ना या घटना, त्वचा के रंग में परिवर्तन, गांठ आदि कैंसर के कुछ लक्षण हैं, जिसका संकेत मिलते ही आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। साथ ही कैंसर का वित्तीय बोझ से बचने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। ऐसे में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कैंसर इंश्योरेंस का प्लान है आपको देता है। इस तरह से आप इंश्योरेंस कराकर अपने कैंसर की पॉलिसी को आप चला सकते हैं और एक बेहतर इलाज मुहैया करा सकते हैं अपने आप को। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और ब्लड कैंसर के बारे में।